हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक शॉर्ट वीडियो के साथ, एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। ऐसा कंसेप्ट जो आप डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हो, देखते हो। कंसेप्ट आज का ये है, क्या आपने कभी सोचा है जो डोर का हैंडल होता है वो हिंज के बिल्कुल अपोजिट साइड में क्यों होता है, बिल्कुल हिंज के साथ क्यों नहीं होता, या डोर के बिल्कुल सेंटर में क्यों नहीं होता, बिल्कुल अपोजिट साइड पर क्यों होता है? तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहूँगा आप वीडियो को पॉज करें, आपके रूम में जो डोर लगा है आप उस डोर के पास जाएं, दो केस चेक करें यहाँ पे। एक बारी आप डोर के हिंज के पास फोर्स लगा के डोर को ओपन या क्लोज़ करने की कोशिश करें, दूसरे केस में आप हिंज से बिल्कुल दूर उसके अपोज़िट फोर्स लगाकर डोर को ओपन या क्लोज़ करने की कोशिश करें, और फिर चेक करें किस केस में टर्निंग ज़्यादा होती है, यानी किस केस में डोर ज़्यादा रोटेट होता है। तो वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से ट्राई करें। तो आइए शुरू करते हैं इस कंसेप्ट के पीछे क्या रीज़न है, क्यों ऐसा होता है। मैंने यहाँ पे दो केस ड्रॉ किए हैं। पहला केस है जहाँ पे हिंज के बिल्कुल पास हैंडल लगा है, दूसरा केस हिंज से बिल्कुल अपोजिट साइड, यानी जो हमें देखने को मिलता है डोर में वो वाला केस हैंडल बिल्कुल अपोजिट साइड पर है। पहले केस में, अच्छा उससे पहले कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का जो रीज़न होता है वो है टॉर्क। टॉर्क होता है अमाउंट ऑफ टर्निंग, कितनी टर्निंग हो रही है। तो टर्निंग के लिए हमारे पास यहाँ दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, या तो आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें, या आप डिस्टेंस को ज़्यादा कर दें। हम कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होने वाला है उस एक्सिस से इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करोगे उस पॉइंट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों केसेस में अगर हम देखें तो जो डोर रोटेट करेगा, डोर की जो टर्निंग होने वाली है, दैट इज़ अबाउट दिस लाइन जहाँ पे हिंज लगा है, जहाँ पे हिंज लगा है उसके अबाउट टर्निंग होने वाली है। हम केस लेके चल रहे हैं, दोनों केसेस में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स हम अप्लाई करने वाले हैं, फिर देखते हैं किस केस में टॉर्क यानी टर्निंग ज़्यादा होगी। केस नंबर वन में अगर आप देखें यहाँ पे F को मैं कांस्टेंट कर चुका हूँ, F वाला क्राइटेरिया हमारे लिए कांस्टेंट है। अगर मुझे अमाउंट ऑफ टर्निंग बढ़ानी है तो मैं किस को बढ़ा दूँ, R को बढ़ा दें, टॉर्क बढ़ जाएगा। अगर मैं R को कम कर दूँ तो टर्निंग कम होगी, टाउ कम हो जाएगा। पहले केस में अगर आप देखें एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी हिंज वाली लाइन से हैंडल की डिस्टेंस बहुत कम है, यानी आर बहुत कम है, आर बहुत कम तो टाउ बहुत कम, मींस टर्निंग बहुत कम होगी। दूसरे केस में अगर आप देखें जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, हिंज के बिल्कुल अपोजिट दूर जाकर हैंडल लगा होता है, यानी हम किस चीज़ को बढ़ा देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जहाँ फोर्स लगेगी उस पॉइंट की डिस्टेंस को हम यहाँ बढ़ा देते हैं। इफ़ आर विल बी लार्ज, टॉर्क विल बी लार्ज, दैट इज़ टर्निंग विल बी लार्ज। सो इफ़ यू अप्लाई सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन बोथ दी केसेस, टर्निंग इन दिस केस विल बी ग्रेटर देन टर्निंग इन दिस केस। दिस इज़ द रीज़न व्हाई हैंडल ऑफ द डोर इज़ ऑन द अपोजिट साइड एंड अपोजिट कॉर्नर ऑफ द डोर। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। ऐसी ही और शॉर्ट वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।